हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास सेवेंथ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 3, जो कि है सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन। हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे अपने इस चैप्टर की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। चैप्टर 3, सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। सुधा चंद्रन, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, आप सभी ने इनको बहुत सारी फिल्म्स में या टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम द स्पेशल पीपल अलारिपू, शब्दम, वर्णम, पदम। दीज वर दी स्ट्रेंज वर्ड्स फॉर द ऑडियंस। वॉशिंगटन के ऑडिटोरियम में बैठी हुई ऑडियंस के लिए ये बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड्स थे, बहुत ही स्ट्रेंज शब्द थे। लेकिन एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही मैग्निफिशेंट, एक्सीलेंट लग रही थी अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में, उन्होंने डांस शुरू करने से पहले इन सभी वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से समझाया। और वहाँ बैठी जो ऑडियंस थी, उन्होंने भी भरतनाट्यम के भाव, इमोशंस, राग मतलब मेलोडी, रिदम, इन सभी को बहुत अच्छे से समझा। उनकी परफॉर्मेंस के बाद जो क्लैपिंग हुआ करती थी उनके लिए, सुधा चंद्रन के लिए, वो ना ही सिर्फ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कितने वंडरफुल वे में डांस किया, बल्कि इसलिए भी होती थी कि वो हमेशा इंडोमाइटेबल स्पिरिट थी उनकी, कि मतलब ये भविष्य में भी ऐसी सेम चीज़ें ये ही चलती रहेंगी। उनकी जो इंडोमाइटेबल स्पिरिट थी, उनकी कभी ना हारने वाली जो आत्मविश्वास था, उसके लिए भी होती थी। हर एक व्यक्ति जो ऑडियंस में था, वो शायद जानता था, सभी जानते थे सुधा की जो कॉरेजियस कमबैक था या सुधा चंद्रन की जो स्टोरी थी, उसके बारे में सभी व्यक्ति जानते थे। अब वो स्टोरी क्या थी कि जब सुधा चंद्रन 17 साल की थी, उस समय पर वो बहुत ही प्रोमाइजिंग डांसर थी, और अब तक 17 साल की उम्र तक भी वो 80 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस कर चुकी थी। एक दिन तमिलनाडु से 25 किलोमीटर दूर उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, वेयर द फैमिली हैड गोन ऑन देयर एनुअल पिलग्रिमेज, जहाँ पर फैमिली जो है वो एक अपनी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, एंड उनको शायद वहाँ पर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला। मतलब जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट शायद नहीं हुआ, और अब उनकी जो इंजरीज थी वो इस स्टेज पर आ गई थी कि अब उनका वो जो बॉडी पार्ट है वो काटना पड़ेगा, उसका इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे उनका बॉडी पार्ट ख़राब हो जाएगा। जब उन्हें मद्रास लेकर जाया गया, जिसको हम आज के टाइम पर चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इनके इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाए, लेकिन फाइनली डॉक्टर्स को फोर्स होकर के, मजबूर होकर के उनका राइट लेग काटना पड़ गया। कुछ महीने सुधा चंद्रन के लिए बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन फिर भी सुधा जो हैं वो सर्च कर रही थी, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया टू फाइंड अ वे ऑफ डांसिंग अगेन। द डे आई मेट डॉक्टर प्रमोद सेठी, वो कहती हैं कि जिस दिन मैं प्रमोद सेठी से मिली थी, आई न्यू दैट, उन्होंने कहा था कि मैं जानती हूँ कि मेरा जो ड्रीम है, सपना है, वो ज़रूर सच होगा। डॉक्टर सेठी जो हैं, इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं काफ़ी सारे अपनी आर्टिफिशियल लिम्ब की डेवलपमेंट के लिए। जब सुधा डॉक्टर सेठी से मिली तो उन्होंने जयपुर फुट को एक्वायर किया, एंड उन्होंने शुरू किया बिगिन हर डिटरमाइंड जर्नी बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम। उन्होंने भरतनाट्यम के वर्ल्ड में वापस आने का निश्चय करना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे अपने उस पैर के साथ, उस लिम्ब के साथ, वो उसे टर्न, ट्विस्ट, वॉक, बैलेंस सब कुछ करना सीख रही थी, एंड फाइनली उन्होंने डांस भी सीख लिया। इन सभी कोशिशों में उनके जो डॉक्टर्स थे, उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, पेरेंट्स थे, उनके गुरु थे, सभी ने उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, या ये कहें उनके इस कोशिश का वो सभी बहुत ही अहम हिस्सा रहे। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं, जब उन्होंने डांस सीख लिया तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु जी के निवास स्थान पर ही उनको एक
थैंक्स बोलने के लिए एक परफॉर्मेंस दी, एंड ये एक मिरेकल, चमत्कार की तरह था। और वहाँ पर जितने भी लोग उस परफॉर्मेंस को देख रहे थे, वो जो वर्नम परफॉर्मेंस थी उनकी, उसको देख करके सभी लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन सुधा चंद्रन अभी ये जानती थी कि उन्हें अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। 28 जनवरी 1984 में, 2 साल बाद, सुधा चंद्रन ने एक हिस्टोरिक कमबैक किया जब उन्होंने बॉम्बे, आज के टाइम पर जिसे मुंबई बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक पब्लिक परफॉर्मेंस की। और ये जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति इतनी टैलेंटेड डांसर का वेलकम बैक कर रहा था। सुधा चंद्रन के फादर बताते हैं, डी के चंद्रन, वो कहते हैं कि हर एक परफॉर्मेंस के बाद सुधा जो है वो सेम क्वेश्चन पूछती थी मुझसे कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, और मैं हमेशा उन्हें कहा करता था कि अभी भी तुम बहुत इम्प्रूव कर सकती हो। लेकिन 28 जनवरी की जो मुंबई में परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद जब सुधा ने मुझसे ये यूजुअल सेम क्वेश्चन पूछा, तब आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, एंड आई जस्ट टच हर फीट। ये मेरा ट्रिब्यूट था, मैंने उनके पैर छुए, ये मेरा एक ट्रिब्यूट था एक ग्रेट आर्टिस्ट की तरफ। आगे बताया जा रहा है, सुधा चंद्रन की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी ने एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब हैदराबाद के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि वो सुधा चंद्रन की लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, और जिसके अंदर लीड रोल में सुधा चंद्रन को ही लिया जाएगा। उस फिल्म का नाम था मयूरी, और जब वो फिल्म सक्सेस हुई तो उस फिल्म की सक्सेस ने उन प्रोड्यूसर को एनकरेज किया, उस फिल्म को तमिल और मलयालम में उन्होंने डब किया, और बाद में आगे जा कर के नाचे मयूरी नाम से उन्होंने हिंदी में इस फिल्म को रीमेक किया, दोबारा से बनाया। अब सुधा चंद्रन जी थी वो एक फिल्म स्टार के तौर पर भी उभर कर आ रही थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्म जो हैं वो की। अब उन्होंने खुद भी एक फिल्म जो थी कन्नड़ भाषा में, काला अभिमानी, जो कि बल्लना नाम के एक डीप आर्टिस्ट थे उनकी लाइफ पर बेस्ड थी, उसको उन्होंने प्रोड्यूस किया। सुधा चंद्रन की सक्सेस जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सुधा चंद्रन को पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड से इन्विटेशंस आ रहे थे परफॉर्मेंसेस के लिए, एंड उन्होंने कैनेडा, यूरोपियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट, सब जगह बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की। वो अमेरिका गई थी जहाँ पर उन्होंने पूरे अमेरिका में लगभग 8 परफॉर्मेंसेस की। उन्हें याद था कि एक बार जब वो वॉशिंगटन में परफॉर्मेंस कर रही थी तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, जिसकी आंखों में आंसू थे, और वो बहुत ही ज़्यादा जो भीड़ थी, पूरा जो क्राउड था डांसर के पूरे आसपास, उस क्राउड में से वो निकलती हुई आ रही थी, और बहुत ही साइलेंटली, बहुत चुपचाप उसने एक कार्ड जो है वो सुधा को थमाया और उन्हें बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कर दिखाया। लेकिन क्या जो हर जगह जहाँ पर सुधा चंद्रन जाती थी, क्या सभी लोग उनकी स्टोरी के बारे में जानते थे? नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि सुधा चंद्रन की परफॉर्मेंस जो होती थी वहाँ पर इंटरवल के दौरान लोगों को पता लगता था इनकी स्टोरी के बारे में, एंड उसके बाद जो लोग थे उनको बहुत ही हार्ट वार्मिंग, मतलब बहुत ही दिल से रिस्पॉन्स दिया करते थे। लेकिन फिर वही चीज़ कि उनके अपने खुद के भी हीरोज़ हैं, तो वो उनके लिए तो हार नहीं मान सकते, ठीक है। सुधा चंद्रन भी एक बात कहती थी कि जब हेलन केलर जैसे लोग अपने हैंडीकैप को ओवरकम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, वो हमेशा अपने आप को ये बात कहती थी। सुधा चंद्रन के फैंस जिन्होंने जब उनकी फिल्म रिलीज़ हुई उसके बाद उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, उनके फैंस लिखते हैं, लोगों ने लिखा कि सुधा चंद्रन की स्टोरी से वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए, उनको एक नई उम्मीद मिली है, और मैं जो थी वो इस चीज़ को देख करके थोड़ा डर रही थी, या मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, मेरा मैसेज सभी लोगों तक पहुँच गया। वो मैसेज क्या था कि जब एक इंसान के दिमाग में अपनी सक्सेस के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए रियलाइजेशन आ जाता है, तो फिर पीछे देखना नहीं होता। जब वो कहती हैं, व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो हैंडीकैप है वो मुझे डांस करने से नहीं रोक सकता, तो इसका मतलब वो नहीं रोक सकता, और मैंने अपनी जर्नी को पूरा किया एंड सक्सेस अचीव की। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडीज़ पर फोकस करिए, सेफ रहिए,
Have a good day. Thank you.